नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लांजी क्षेत्र अंतर्गत समस्त पंचायत से पहुंचे मेट्रो ने जनपद पंचायत लांजी पहुंचकर जनपद पंचायत में रैली के माध्यम से पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानियों को ज्ञापन के माध्यम से जनपद अध्यक्ष अर्चना रेविंद्र खोंगल को अवगत कराया। उनकी महत्वपूर्ण मांग इस प्रकार है कि शासन के द्वारा मनरेगा के संबंध में नीति बनाकर मासिक मानदेय प्रदान किया जावे, वर्तमान में चयनित स्व सहायता समूह की मेट बहनों को नीति में सम्मिलित किया जावे या मनरेगा मेटो को अर्ध कुशल श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है, अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मेटो को अर्ध कुशल श्रमिक परिताशिक प्रदान आदेश दिया जाए एवं मनरेगा योजना में वर्तमान एवं पूर्व में कार्यरत मेट भाई बहन को सरपंच सचिव द्वारा आपसी रंजिश का शिकार कर हटाया न जावे। वैसे ही मनरेगा पोर्टल पर मनमानी तरीके से मेटों का रजिस्ट्रेशन न किया जावे एवं इस विषय में नीति बनाने की कृपा करें। इस दौरान मेट संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शाहिद अली कमल सोनवाने, धनराज तेजराम लिलहरे, तीर्थ प्रसाद आचार्य, स्वाति नागपुरे टालेश्वरी एवं बड़ी संख्या में मेट उपस्थित रहे। आज आपके द्वारा हम जनपद पंचायत में किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाए? मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है शाहिद अली, ग्राम पंचायत देवरबिली, मनरेगा मेट संघ ब्लॉक अध्यक्ष। तो क्या है, हमारे मेट भाई बहने मतलब 2-3 महीना काम मिलता है इन लोग हर पंचायतों में, उसके बाद बैठ जाते हैं, इनके बीवी बच्चे मतलब बेरोजगार हो जाते हैं। तो हमारा वो ये सरकार से ही मांग है कि हमारे मेट भाई बहनों को 12 महीना काम मिलना चाहिए, कलेक्टिव ट्रीटमेंट का भुगतान होना चाहिए और सेम स्किल का मास्टर भी निकलना चाहिए अर्ध कुशल। और क्या है सर, कई कई पंचायतों में ना नए सरपंच बनते हैं, तो वो ना नवनिर्वाचित सरपंच अपने हमारे पुराने मेट भाइयों को निकाल देते हैं और अपने हिसाब से मेट रखा जाता है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि 2006 से लगे हुए हमारे मेट भाई बहन, किसी किसी की तो उम्र हो गई है 55 साल 56 साल। तो इसको देखते हुए हम अपनी मांगों को लेके आज जनपद उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, यहाँ जनपद सीओ को हम लोग विज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारे मांगों को उसका निराकरण किया जाए ज्ञापन का। और 21 तारीख को बालाघाट में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है जिसमें मंत्री मंडल भोपाल से आ रहे हैं, अपने विधायक कटंगी विधायक, बालाघाट विधायक और लांजी विधायक भी उपस्थित, सभी लोग रहेंगे। और यदि मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे आंदोलन के तो आपने रूपरेखा बनाई है, अभी यहाँ अभी क्या है रूपरेखा है? अभी देखो, जैसे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो उग्र आंदोलन भोपाल में करेंगे। जो मेट संघ द्वारा यहाँ पे जो ज्ञापन देने पहुँचे गए, तो क्या समस्या है, इनके लिए क्या निराकरण निकलेगा जनपद के माध्यम से, आप जनप्रतिनिधि? देखिए ना, आज जो मेट संघ द्वारा लांजी खंड लांजी ब्लॉक के मेट संघ द्वारा आज जनपद पंचायत आकर के जो ज्ञापन सौंपा गया है, अपनी मांगों को रखा गया है, वो निश्चित तौर पर उनकी मांगें जायज़ है और सही है। और हम भी ऐसा चाहते हैं कि जो जिनको आज जिन मेट भाइयों को आज अर्ध कुशल श्रमिक के रूप में उन्हें माना जा रहा है, उनका पदनाम जो है सुनिश्चित किया जाए पहले तो, और पदनाम के साथ साथ जो है उनका मानदेय भी जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। ये जो है उनकी प्रमुख जायज़ मांगों में से है, जिसका समर्थन जो है हम अपनी जनपद पंचायत की ओर से भी उनका समर्थन करते हैं। और आगामी बैठक होगी, जब भी हमारी सामान्य सभा की बैठक होती है, तो इस आशय का प्रस्ताव भी जो है इनके हित में, जिस बात को मैंने कहा है, इनके हित में लिया जाएगा। दिनेश भैया, जैसे ये छोटे कर्मचारी है पंचायत से संबंधित, जब ये कोई ज्ञापन देते हैं तब जनप्रतिनिधि और ब्लॉक के अधिकारी जागरूक होते हैं, इसके पूर्व में क्यों नहीं होते? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपको समझा देना यहाँ पर आवश्यक है, जो मेड जो भाई है हमारे जो ग्राम पंचायत में काम करते हैं, ये धरातल पर काम करने वाले लोग होते हैं। अगर मजदूर अगर कहीं सब अगर फील्ड में काम कर रहा है, तो उस मजदूर का सही तरीके से संचालन, उनसे काम लेने का कार्य जो है ये हमारे मेट भाई कहते हैं। ये बात इसलिए भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद सरपंच रहा हूँ, तो मैं इनको देखता हूँ, इनकी कार्यकुशलता, इनकी दक्षता पर जो है शक नहीं किया जा सकता है। ये अपने काम में निपुणता से, ये साथ में कुशलता के साथ में ये काम करते हैं। तो पंचायत विकास जो विभाग है आपका, ग्रामीण विकास पंचायत, लांजी से रूपेश रावते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.